Actor-filmmaker Satish Kaushik has said infrastructure in India is still weak as compared to foreign countries, which is one of the main hurdles to shoot films in Indian locations. Satish Kaushik was addressing the media at Global Film Tourism Conclave 2019 along with Ramesh Sippy on Friday in Mumbai. He talked about the relationship between film and tourism and said, कहीं भी हम शूटिंग करें, चाहे हम अब्रॉड शूटिंग करें, चाहे अपने मुल्क में शूटिंग करें, कहीं भी जाते हैं वो कुछ अपनापन सा दे जाती है और उस लोकेशन को हमेशा हम याद रखते हैं. और ये जो हर जगह परमिशंस वगैरह जो मिलती हैं जब हम इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो थोड़ी जागरूकता और बढ़ती है कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में लोगों को पता चले, बाकी कंट्रीज़ को पता चले कि हमारी फिल्में भी हमारी जगह पे भी आके आप शूटिंग करें तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं. हम जब भी बाहर जाते हैं और ये धीरे धीरे, मैंने तो पिछले 20 सालों में ये देखा है कि धीरे धीरे ये चीज़ बहुत बड़ी है. पहले एक स्विट्ज़रलैंड जगह होती थी, वहाँ लोग तकरीबन जाया करते थे, फिर उसके बाद कहीं मिडल ईस्ट में जाना शुरू हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड जाना शुरू हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू हुआ, उसके बाद कनाडा जाना शुरू हुआ, अमेरिका जाना शुरू हुआ. कहाँ नहीं गए हम लोग शूटिंग करने के लिए, लेकिन कितनी हमको सहूलतें मिलती हैं वहाँ पर, कितनी हमको मदद मिलती है. तो आई थिंक और यही चीज़ जो है हमारे हिंदुस्तान में भी शुरू हो रही है. However, Kaushik said Indian infrastructure is weak as compared to foreign countries. मेरा हमेशा से ये रहता है कि हमारे हिंदुस्तान में खूबसूरती और लोकेशन की तो खैर कोई कमी है ही नहीं, लेकिन कुछ साधनों की जरूर कमी है हमारे पास कि हम कई बार अच्छी अच्छी लोकेशंस पे पहुंच नहीं पाते. हमारा जो कनेक्टिविटी फैक्टर है वो थोड़ा सा उस मामले में कमज़ोर रह जाता है, जो कि जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं भी जाना हो तो उसके साधन जो है बहुत अच्छे होते हैं.